वेलकम बैक फ्रेंड फॉर अनदर वीडियो। स्वागत है तुहाडा एक होर नवीं वीडियो दे विच। ते आस करदा सारे वधिया होवोंगे। सो वीडियो नूं तुसी लाइक ते शेयर जरूर कर दिया करो यार, बिकॉज थोड़ी खुशी हुंदी है। ते करदे जी अज दा व्लॉग स्टार्ट। 8 बजे दा मैं वीडियो अपलोड करन लग्गिया होया ते 8:30 हो गए हुण तक, वीडियो स्टिल अपलोड नहीं हुई। ते नैट दी स्पीड देख रहे हुण किन्नी है, 49, 50 plus ही आ रही है। तो अपलोडिंग स्पीड देखते हैं, 75। ओके, लिटरली यार मैं इस चीज़ तो बहुत तंग आया हुआ है, बिकॉज यार कल भी फोन किया मैं उन्होंने, अज फिर मैं लगती फोन करना पैना, स्पीड भी आ रही, सारा कुछ आ रहा, बट अपलोडिंग नहीं हो रही, पता नहीं की टैक्नीकल इशू है। मैं हूँ चलिया थोड़ा यार ग्रोसरी कर, बिकॉज कल दुध नहीं लैके आया मैं, तो आटा खत्म हो, दुध थोड़ा बहुत होर समान है वह लैके आना यार, तो मोटरसाइकिल दुध ही लै चलता, नवा बनया पाया हूँ तो यू लैके चलते, ना ये फ्यूल भराना यार, उस फ्यूल है नहीं, ये थोड़ा ही है। राती जो मैं आया सैर करके, उस टाइम तो मैं मैं चल मैं जाके आऊँगा समान समून जो है लैन वाला ले आऊँगा, बट मूड जहाँ बनया नहीं यार जाने का, सो इस करके हूँ समान लैन चले आए। तो दुध हजे तक मैं कुछ खाया नहीं, 8:30 पौने 9 का टाइम है, लीव मैं लै रही थी अच्छे ऑफिस तो, बिकॉज यार मैं एक दो दिन रेस्ट करा कि दो छुट्टियां आ रही, सो इस करके मैं अच्छे लीव लै रही थी, मैं अच्छे छुट्टी लैके 3 छुट्टियां हो जाएगी। 94 हो गया, होर घट गया, चलो शुक्र है। ऑयल का प्राइस होर घट गया, पहला 96 सीगा हुण 94.88 है। इतों लैना हुण आटा, मल्टीग्रेन आटा जो मिल गया वो लैना, मल्टीग्रेन इतने है नहीं, 5 किलो वाली थैली, मैं शक्ति भोग ही ले लेना 5 किलो वाला, यही फिलहाल इदा का कुछ है नहीं जो लैके आना हो, बिकॉज मैं डीमार्ट तो लाया सारा समान, इतनी होर कुछ नहीं है, लाइट्स लैनिया बस आप, एक लाइट्स देखता बिकॉज वो जी लगिया हुई छोटिया वो अंदर मतलब समझ सकते, उस टाइप दैनिया पैनिया लभनिया पैनिया कितों मिलती देख रही हूँ, इतने तो वो नाल लगिया हुई बिकॉज बल्ब टाइप ये यार प्रॉपर जो होल है वह होना नहीं सैट, ये हम देखना पैना कि ले जाए, सो नाल तो पहुँच लेंगे, चलते हैं खाण पीन करते हैं, पापड़ी ये 1 by 1 फ्री है, तो नाल आप लैना दुध, दुध येलो है नहीं अज इन्हों इस करके हूँ ग्रीन ही लै लिया अपना। ब्रेकफास्ट रेडी अपना, ओट्स विद बनाना, तो मैं ये भी थोड़ा जहा हनी ऐड किया, तो नाल नाल चल रही है मूवी, मैं अच्छे देखने लग गया मूवी, मैं चल किया बैक, मोटरसाइकिल का काम तो किया बट थोड़ा इनकम्प्लीट जहा यार, सो अज मैं सवेरे चला के देखा सीगा, तो हूँ मैं चलिया सीगा वो कोल, बिकॉज उन्होंने थोड़ा दिखा के लगे आवा, तो एक पिछले टायर के हवा घट है उपरा नहीं है, तो एक क्लच की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये दिखा वनू हूँ, ओके हूँ हाँ हूँ सही है यार, पहला थोड़ा सही नहीं सीगा, मैं बुलट वाला ही काम समझ गया, सजे पास गेयर पाई गया, ये देख लो बढ़ता, बाकी सब ओके बाइक हूँ, तो थोड़ी गेयर की प्रॉब्लम है, गेयर थोड़े स्मूथली नहीं पैदे, मैं हूँ चला सीगा ब्रेड लैन, ला अमेरिका का ब्रेड सिर्फ इन्हों तो ही मिलता यार, बाकी मॉडल टाउन च मिलता एक मल्टीग्रेन लेना,
पता नहीं की है फकोकिया ब्रेड है फकोकिया। हूँ घर आया तो भुख बहुत ज़्यादा लगी है। टाइम भी यार 3:30 का हो गया। मैं सोचा ही अच्छ तो सवेरे मैं थोड़ा लेट उठिया यार, इस करके हूँ ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया, लंच भी लेट हो गया। तो भिंडियां बनाइया यार, भिंडियां हम रोटी खावे तो फिर करते हैं गलबात। अज पाकिस्तान ते ऑस्ट्रेलिया का सैमीफाइनल मैच सीगा, बट पाकिस्तान हार गई यार। मैं बड़ा दुख होया इस चीज़ का। तो ऑस्ट्रेलिया चलो है ही वधिया टीम है, बट पाकिस्तान ने अपनी जिहड़ी स्टार्टअप कीता सीगा वो बड़ा वधिया कीता सीगा यार। तो अज दी गेम देख के उन्हां दा पता लगदा सीगा वी हाँ उन्होंने मेहनत की है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत की सीगी। तो बट चलो कोई गल नहीं, हुण की कह सकते। लास्ट वाले ओवर दे विच 6 बॉलों 22 रन चाहिए सीगे, सो बना के हक ले। मैनू बड़ा दुख होया यार, मैंने लगता सीगा पाकिस्तान जित जूगा। चलो इंडिया तो पहले ही बहर हो गई सी, एनीवे की कर सकते हूँ। तो हूँ मैं ग्रीन टी पी के हटिया है, मैं थोड़ा उत्ते आया मैं क्या थोड़ा टाइम उत्ते हूँ थोड़ी सेहत भी ठीक लग रही है, तो उत्ते थोड़ा टाइम वॉक कर ला। वॉक अज मैं सोचता है भी बहर जाया, मैं कल मैं कल भी मैं बहर गया सीगा, तो हुडी अज भी मैं कल वाली पाई हुई है। तो थोड़े टाइम तक हम बहर जाना यार। एक ना घर के पिछे आ स्टोर है, तो सारी रात नहीं सौंदे ये अंदर, पता नहीं की लोड करी जाने, कितने नू लोड करी जाने, आई डोंट नो, बट सारी रात नहीं सौंदे। खड़का आवाज़ा सारी रात चलदियां रहिंदियां। तो एक हुण आलूआं दा सीजन भी है, सो इस करके मैनूं लगदा मे बी शायद उहदे करके है नी गड्डियां गुड्डियां लोड लूड करदे गुड्डे, ये सारी रात लगे रहने हैं। एक हुण एड्स बहुत आनी है, बिस्किट ए बिस्किट मैदा फ्री 0% मैदा आटा, तो आटे दे बिस्किट है, बट वो टोटली यार झूठ बोलते हैं, इदां दा कुछ नहीं। जिन्हें भी बिस्किट है, जिन्हें भी बिस्किट मार्केट के वड्डी वड्डिया कंपनियां लॉन्च कर दी आलमोस्ट सारिया के मैदा यूज करते ही करते हैं, सो आपां नूं फिलहाल ये पागल बना रहे हैं, बन भी रहे हैं। सो मेनली जिहड़ी साफ जी गल ये है, इन्हां नूं चंगा यार कुछ होर खा लिया करो, बिकॉज जिहड़ा मैं बिस्किट लैके आया सी उहदे विच भी ओट्स कहिंदे सी, ओट्स बिल्कुल 3% ओट्स है, 3% सौ चो 3% ओट्स है, 73% मैदा। एक होर गल मैं पढ़ी, तो हुण इन्होंने चीज़ों के नाम लिखने बंद करते, तो उन्हों की थाते ना मतलब कि कोड यूज़ कर लग पे। तो बिस्किट जो तुम इनग्रीडियंट चैक करोगे ना वो ना उन्होंने हुण कोड लिखन लग पे, मीनस कि जो जो चीज़ा ऐड करते हैं वह एक कोड की फॉर्म के हम लैके अपन यूज़ करके देने वो इंडिया यूनो तुम समझ सकते हैं कि ज़्यादा इतने आ चीज़ा मतलब फेक बन रही, प्योरिटी बिल्कुल है नहीं। तो एक मैं हूँ दसदा तुहानू, दो दिन पहला दी मैं न्यूज़ पढ़ी है, 16 लाख लीटर दुध की प्रोडक्शन है पंजाब की, 50 लाख लीटर एक दिन दे दी प्रोडक्शन हो रही है। मीनस कि यार कितने 16 कितने 50, पता नहीं की ऐड करते हैं बिच की नहीं, आई डोंट नो। सो यार बचो इन्हां चीज़ों। सो जिन्हें भी ये मैं एक दिन ये बाबा मिल्क यूज़ किया, सो मैनू परसनली वो यार सूट नहीं बैठिया। तो पहला मैं दोधी तो दुध लाया हुआ है, वो प्रॉब्लम आई, तो हूँ मैं वेरका या अमूल यूज़ करना, वो मैं फिर भी थोड़ा ठीक लगता, बट शहर के तुम भी पता है नहीं भी दोधी, चलो सारे नहीं ठीक भी होंगे कई, बट ज़्यादातर लोग इदा के ही होंगे यार। कितने 16 लाख लीटर दुध की प्रोडक्शन होनी, कितने 50 लाख लीटर कर रहे हैं दुध की प्रोडक्शन तुम यार, ऑबवियस जी गल है नी भी बीमारियां तो लगनगियां लगनगियां, जो हूँ आपको कोई प्योरिटी मिली नहीं रही, हर एक चीज़ के आपू कुछ ना कुछ ऐड होया हुआ मिलता। आ हूँ बिस्किट्स तुम्हें मैं दसिया, हूँ वो चीज़ों के नाम नहीं लिखते की ऐड किया की नहीं, वो उन्होंने हूँ उन्होंने कोड यूज़ कर लग पे। सो बेसिकली ये पागल बना रहे हैं यार, सो बचो जिन्ना बच सकते इन्हों तो। वीडियो शेयर जरूर करो,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 100% ਆਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਰਨਿੰਗ। ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੋਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀਡਾਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੂ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਊਮਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ੂ ਮੂਹਰਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਊਮਾ ਦੇ ਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਸਟੱਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। 9:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੋਪਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨ 10-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਰਮਸ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ 4-5 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਬਟ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਲੋਜ਼, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਦਿਓ ਵੱਟੇ ਬਸ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਬਾਏ ਬਾਏ।